तार विरोध हुआ। केजरीवाल के खिलाफ ये विरोध उनके सीए पर दिए बयान पर हुआ। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर सैकड़ों हिंदू शरणार्थी पहुंचे और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। केजरीवाल ने सीए को खतरनाक बताया था और कहा था कि सीए के लागू होने के बाद बाहर से भारी भीड़ भारत में आ जाने वाली है। यही वजह है, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की संख्या में इस वक्त जो पहुंचे हुए हैं वो हिंदू शरणार्थी हैं। हमारे से क्यों जल रहा है केजरीवाल? हमारे को नागरिकता चाहिए, केजरीवाल को क्या हो रहा है? माफी मांग ले हमारे से, बस नागरिकता मिलनी चाहिए केजरीवाल, माफी मांगना चाहिए केजरीवाल, और गलत भाषा बोलता है। जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की सैन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा, हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल के मंत्री जो रोहिंग्याओं का कैंप पे, वहाँ पे जाके राशन देते हैं, पानी देते हैं, उनको मूलभूत सुविधा देते हैं। आज भारत सरकार ने जो बिगैर कागजों के आ रखे हैं उनको संरक्षण है, जो वीजा लेके आए हैं सब यहाँ पे, कानून भारत सरकार ने बुलाया है, उनको नागरिकता मिल रही है, उनके हितों के लिए काम हो रहा है, तो केजरीवाल को पता नहीं क्या हो रहा है। डूब के मर जाना चाहिए इसे शर्मनाक बयान से। जो बयान दिया है घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ है। मैं इतना दुख हुआ है, जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये हमारी बच्चियों बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था उससे भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें घुसपैठिया। हम क्या घुसपैठिए नजर आ रहे हैं? दिल्ली की तस्वीरें दिखाने के बाद सीधे मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगी जो जयपुर से भवानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, बहुत महत्वपूर्ण है ये पहलू कि राजस्थान उन प्रदेशों में से है जिसकी सीमा पाकिस्तान से ज़्यादा लगती है, और पाकिस्तान वो देश है जहां के अल्पसंख्यकों को भारत सरकार सीए के जरिए नागरिकता देने जा रही है, और इसलिए मतलब राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में ऐसे हिंदू शरणार्थी ज़रूर होंगे जो कि इस बात से खुश होंगे। देखिए, राजस्थान में 3.5 लाख जो हिंदू शरणार्थी हैं पाकिस्तान से आए हुए हैं, और जाहिर तौर पर नागरिकता भी सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगी। और ये केजरीवाल का बयान को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में आपने गुस्सा देखा, ऐसा ही गुस्सा जयपुर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है, और यह तस्वीरें आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं कि केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और गुस्सा इस बात को लेकर है इसको केजरीवाल। भवानी, हम चाहेंगे कि जरा लोगों की बातें भी सुनवाएं आप दर्शकों को। केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। सर, हमें केजरीवाल जी से ये नाराजगी है, जो उन्होंने कल जो बयान दिया है हम उससे बहुत ज्यादा दुखी हैं। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो ये सीए कानून परसों लागू किया था 12 तारीख को, हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान से जो पीड़ित परिवार जो आके यहाँ रह रहे हैं, ये उनको नागरिकता देने का कानून लेकिन है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान विस्थापितों से यहाँ पर दंगा करेंगे, यहाँ कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे, जो पाकिस्तान से विस्थापित परिवार है उन्होंने दंगे किए थे कि केजरीवाल में जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पे दंगे हुए थे? आज तक 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से जितने परिवार यहाँ पाक विस्थापित आए, अगर एक भी दंगा किसी भी जगह साबित कर दे तो हम केजरीवाल को पता है कि सल्यूट मारेंगे। नहीं तो केजरीवाल को शर्म करनी चाहिए और पूरी टीवी डिबेट पे आके केजरीवाल को इस चीज से माफी मांगनी चाहिए। हम सब पता है कि ये चाहे केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। केजरीवाल से हमें बहुत बड़ी सख्त नाराजगी है कि जितने भी परिवार यहाँ पर पाक विस्थापित रह गए हैं वो बहुत इस उनके बयान से दुखी हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर हम पाकिस्तान में पीड़ित थे जब भी हम अपने इंडिया देश में आए हैं। हिंदू अगर इंडिया में नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा? तो उनको ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि हम कितने पीड़ित थे वहाँ पर, तभी यहाँ पर आए हैं। कोई अपने सुखी से यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर तकलीफ थी तभी यहाँ पर आए हैं, तो उनको ये बयान वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, शर्म करो, शर्म करो। देखिए कि यहाँ पर जो ये पाकिस्तान विस्थापित है बड़ी संख्या के अंदर, ये गुस्सा आपको केवल सिर्फ जयपुर में ही नहीं, चाहे जोधपुर हो, जैसलमेर हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तान विस्थापितों की आबादी है वहाँ इसी तरीके की नाराजगी, नाराजगी दो बातों को लेकर। एक सवाल मुझे आपसे समझना है, पहले से यहाँ रह रहे हैं भवानी, आप उन लोगों के बीच में हैं जो सालों साल तक इन देशों में सताए हुए हैं जहां पे ये अल्पसंख्यक थे, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इसके अलावा बांग्लादेश हो, और भारत सरकार ने इसी पीड़ा को समझी और ये कहा कि 2014 से पहले तक जो लोग यहां पे रह रहे थे उन्हें हम नागरिकता देंगे।
क्या इस पीड़ा को वो लोग नहीं समझ रहे, क्या ममता नहीं समझ रहे, केजरीवाल नहीं समझ रहे कि ये अल्पसंख्यक जाए तो जाए कहां, उनके लिए भारत ही तो महफूज है। देखिए इस सवाल का जो आपने सवाल पूछा, इसका जवाब भी मैं पाकिस्तान विस्थापित से दिलाऊंगा जो 20 लाख की अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। कब आए आप हिंदुस्तान? मुझे आए हुए को तकरीबन 4-5 माह हुए हैं। क्यों आए आप और क्या वहाँ प्रॉपर्टी छोड़कर? तंगी थी इसलिए हम जहाँ चले आए कि वो हमारा देश है। कुछ मुसलमान लोग कहते थे आप यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है, बेहतर है, क्यों कल को आपको तकलीफ होगी, इसलिए हम वहाँ से आए। हमारा जो आप अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के आए, कुछ ले आए कुछ छोड़ा है, छोड़ा है हाँ, तो इसलिए मैं केजरीवाल जी से। आप कब आए? मेरे को 4 महीने हो गए। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, केजरीवाल से कहता हूँ। क्यों आना पड़ा ये बताएं पहले, तो यहाँ आना क्यों पड़ा आपको? मजबूरी से है सर, ना हमारी वहाँ तालीम है, ना कोई बात है, ना चीत है, हर चीज के अंदर जो है ना। किस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा था वहाँ पर, परेशानी क्या हो रही थी, क्या बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी? बस नफरत की जो है ना निगाह से हर आदमी देखता था हमें कि अपने मुल्क जाओ भाई, आपने आज नहीं तो कल जाना है, इसलिए हम हिंदुस्तान को वहाँ पर पाकिस्तान में आपको अपना मुल्क कहते थे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का वहाँ रह के भी हमें यही कहते थे कि आप हिंदुस्तान ही हो, हिंदुस्तान जाओ। ठीक है भवानी, हम आपका रुख करेंगे। मेरे एक और सहयोगी लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं अमित का रुख करूंगी। अमित, हम जयपुर के लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं जो कि शरणार्थी हैं और जो अपना घर बार छोड़कर आए हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों में। संभवतः ऐसे ही कुछ लोग लखनऊ में भी होंगे जहां वो किसी न किसी पीड़ा की वजह से लौट कर आए हैं अपने ही देश को। अमित, बिल्कुल रीमा, इस वक्त मैं लखनऊ में ही मौजूद हूं और लखनऊ में मेरे साथ यहां पर कई लोग मौजूद हैं और जो लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है सीए को लेकर पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ, उसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। जरा केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, शर्म करो। मैं सीधे इनसे बातचीत कर लेता हूं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि जो पाकिस्तान के शरणार्थी हैं वो यहाँ आएंगे तो क्राइम बढ़ेगा, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत शर्मनाक बयान है उनका, ये ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए नहीं। आप क्या कहेंगे? हम भी चाहेंगे वो ऐसा बयान न दे, पब्लिक नाराज होती है। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी आज तक अपने इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को तो बिल्कुल, लेकिन उनको तो दिल्ली की जनता ने चुन के मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता ने चुन के नहीं भेजा, वो फ्री का पैसा देते हैं, वहाँ बिजली फ्री देते हैं, हर चीज फ्री, बस फ्री, वो लालच में आ जाते हैं वो लोग। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है जो शरणार्थी हैं हिंदू, जो है पाकिस्तानी हिंदू की, उनको नहीं लाना नहीं, चाहिए ऐसा, उनको बिल्कुल लाना चाहिए। हमारी बच्चियों के साथ वहाँ पर रेप हो रहा है, वहाँ पे जबरदस्ती 60-70 साल के लोगों के साथ शादियां, 15 साल की बच्चियों के, हमारे बच्चियों की शादी करा देते हैं वहाँ। केजरीवाल इस देश का दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य, हमारा। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप क्या कहेंगे इस पर अरविंद केजरीवाल? पाकिस्तान के जो हालात है ना, बहुत खराब हो गए हैं, इतने खराब हो गए हैं कि आपको क्या बताएं। आप लोग सीए के समर्थन में? समर्थन में, बिल्कुल समर्थन में है। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। देखिए लखनऊ में लोगों के पास भारी गुस्सा है। जी ठीक है, अमित और भवानी, हम आप दोनों का रुख करेंगे। वहां से लोगों की बातें सुननी बहुत जरूरी है क्योंकि वो शरणार्थी है। केजरीवाल के खिलाफ ये विरोध उनके सीए पर दिए बयान पर हुआ है। उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में शरणार्थी इकट्ठा इस वक्त हो चुके हैं और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। सीए लागू होने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें, हम 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, हिंदू शरणार्थी दिल्ली सीएम के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सिर्फ यह दिल्ली की स्थिति नहीं है, अभी 2 जगहों से जो हमारे से योगी जुड़े हुए थे, चाहे वो जयपुर या फिर लखनऊ, दोनों ही जगहों पे जो भी शरणार्थी हैं, जो भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पहुंचे हुए यहाँ पे, उनको इस बात से नाराजगी है कि आखिर आप इस तरीके के बयान दे कैसे सकते हैं। मैं फिर से अपने सहयोगी भवानी का रुख करूंगी। जयपुर में ऐसे ही लोगों की संख्या है जो कि एकजुट हुए हैं और एक सुर में ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए उससे उनको फायदा पहुंच रहा है, लेकिन केजरीवाल जैसे लोग सियासत ना करें। भवानी, एक बार फिर लोगों की भावनाएं सुनवाइए ताकि जिनके मन में, जिनके जहन में कुछ ऐसी बातें हैं कि सीए से किसी की नागरिकता चली जाए, वो जरा खत्म हो जाए। देखिए मैं आपकी करता हूँ, साथ में मेरे खड़े हुए हैं, आप बताएं कि केजरीवाल ये कह रहा है कि सीए से तो नागरिकता चली आपको लगता है कि आप ही आएँ, और किसी की नागरिकता आपके आने से देने से कही जाएगी? नहीं, सीए कानून लागू आती है, जाती तो नहीं है।
आती है, यानी कि आपको मिलेगी जाएगी? हाँ, आएगी ना, हमें मिलेगी, भ्रम है, नागरिकता मिलेगी, सबको मिलेगी। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, हमारी मदद करने के बजाय हमारी मुखालफत ना करे, समझाई। और ये कहना चाहता हूँ, ना छेड़ दर्द मंदानू, ना जाने दिल से क्या निकले, बुरा निकले भला निकले, ना जाने बददुआ निकले, बददुआ से आप जल ना जाए, ये ख्याल करें अपना। मैं ये कहना चाहता, एक बात बताएं कि लगातार ये सवाल केजरीवाल की ओर से तीन सवाल उठाए गए कि आपकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, अपराध बढ़ेंगे, क्या पाकिस्तान विस्थापितों का ट्रैक रिकॉर्ड है, कहीं अपराध किया या इससे खतरा है? मैं केजरीवाल जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आज 30-35 साल से भी पाकिस्तान से जो विस्थापित आए यहाँ रह रहे हैं, और लेटेस्ट भी आ रहे हैं, साल दो साल में आए हैं, कोई 20 साल से आए, आप अगर एक भी पाकिस्तान विस्थापित जो भी आए उनका एक भी साबित कर दे कि वहाँ दंगा किया है या फसाद किया है जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ी है, तो बताओ, हम तो वैसे ही वहाँ से डायरेक्ट आए और वहाँ से परेशान होकर आएंगे, आए हैं तो हम यहाँ किसको डराएंगे या हम दंगे फैलाएंगे, हमको आतंकवादी थोड़ी है। आप तो उल्टा जो रोहिनिया आ रहे हैं बांग्लादेश से, जितने भी आ रहे हैं सब आप उनको बसाते जा रहे हो, उनकी बस्तियां बनाते जा रहे हो, झुग्गियां बनाते हो, बाद में उनको आधार कार्ड वगैरह सब रहने की व्यवस्था दे रहे हो, हम तो लीगल तरीके से आके यहाँ रह रहे हैं ना। आपका विरोध क्यों करें फिर? हम ये